हे दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टार वीसी। सर, आज की एप्लीकेशन जो होने वाली है ना, वो बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन होने वाली है। यानी सारे के सारे फीचर्स जो है आपको बस एक एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। ठीक है, आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने लिखा हुआ था ऑल इन वन एप्लीकेशन। यानी सारे के सारे फीचर आपको इसमें मिल जाएंगे, जैसे कि लाइट रूम हो गया, पिक्सआर्ट हो गया, जितने भी फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, जो कि मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब पूरा देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा इसके कितने फीचर्स हैं इसमें। ठीक है, एंड आप कुछ इस तरीके की जो है फोटो एडिट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर साइट मैंने दिखाई हुई है। एंड इसके अलावा भी इसमें जो है, अगर आपको कपड़ों का कलर चेंज करना है तो जस्ट एक क्लिक में आप कपड़ों का कलर भी चेंज कर सकते हैं। एंड इतने सारे आपको कलर्स इसमें मिल जाते हैं ना कपड़ों को चेंज करने के लिए, कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलो बिना टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट कर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन पर प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा। प्ले स्टोर को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आपको सर्च मार लेना होगा फ़ोटो स्टूडियो करके। ठीक है, तो फोटो स्टूडियो को यहाँ पर सर्च मार लेंगे, बट जो सबसे ऊपर आ रहा है ये वाला नहीं, थोड़ा नीचे जाएंगे एंड कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। फ़ोटो एडिटर, फ़ोटो स्टूडियो करके ये एप्लीकेशन यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो ये आप लोगो देख सकते हैं, आपको यही वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसे यहाँ पर से ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। पहला है गैलरी का, दूसरा है कैमरे का। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे फोटो खींच सकते हैं या फिर आप गैलरी से कोई फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर से फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं गैलरी से। एंड सबसे पहला जो मैं आपको इसमें ऑप्शन बताऊँगा, वो बताऊँगा कपड़ों का कलर चेंज। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा सिनेमेटिक फ़ोटो कैसे एडिट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कपड़ों वाले ऑप्शन में जाते हैं, क्लोथ्स में। तो जैसे क्लोथ्स वाले ऑप्शन में जाएंगे तो थोड़ा ये प्रोसेस होने में टाइम लेता है। एंड प्रोसेस होने के बाद आप लोग देखोगे कि कितनी बेहतरीन यहाँ पर जो एडिटिंग इसमें होती है। ठीक है, वो भी जस्ट एक क्लिक में। तो ये देखिए, जैसे कपड़ों का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है एक क्लिक में। उसके बाद अगर दूसरा कलर चेंज करना है तो ये रहा। एंड इसके अलावा भी इसमें ढेर सारे ऑप्शन हैं एंड कुछ प्रीमियम वर्जन भी हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे आपको कपड़ों के यहाँ पर कलर मिल जाते हैं, और वो भी बस एक क्लिक में। ठीक है, एंड बीच बीच में कुछ प्रीमियम भी है इसमें। तो इस तरीके से आप लोगों को अगर कपड़ों के कलर चेंज करने हैं तो इस तरीके से बस एक क्लिक में यहाँ पर से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन जो है मुझे काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन लगी। सो इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऐसे कपड़ों के कलर हैं जो कि आप चेंज करना चाहोगे। तो इस तरीके से कुछ इमोजी वाले भी हैं। सो इसके अलावा जो इसमें दूसरा ऑप्शन है, अब आप बताते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे उसमें। यहाँ पर एक फ़ोटो और सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि सिनेमेटिक टाइप में बनानी है। ठीक है, यानी स्ट्रीट फोटोग्राफी एडिट जो करते हैं आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर काफ़ी बार। तो इसमें आने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे फ़िल्टर्स पर। ठीक है, फ़िल्टर्स पर आने के बाद यहाँ पर आप देखो ढेर सारे फ़िल्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बस एक क्लिक में यहाँ पर जो है आपकी स्ट्रीट टाइप की फ़ोटोग्राफी बन जाती है। ठीक है, अब अगला ऑप्शन है देखिए सिनेमेटिक का। यहाँ पर एक क्लिक करेंगे तो देखो आप पूरी की पूरी फ़ोटो जो है सिनेमेटिक टाइप में बन चुकी है, यानी स्ट्रीट फोटोग्राफी यहाँ पर हो चुकी है। उसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ये देखो दूसरे वाले में गए। एंड इसके अलावा इसमें आप कम ज़्यादा जितना चाहो अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं फिल्टर्स के, जो आपको पसंद है आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इस एप्लीकेशन में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड ये एप्लीकेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ।